हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गार्डन फ्रेंड कृष्णा और मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप देख रहे हो कितने सारे नए पौधे मैं नर्सरी से खरीद के लाए हैं, कल लाए थे। और ये पौधा बहुत सारे दोस्तों को शिकायत है, नर्सरी से तो हम बहुत हेल्दी प्लांट्स खरीद के तो लाते हैं, लेकिन इसका कुछ ही दिन बाद हम इसको जब रिपोर्ट करते हैं या सही देखभाल नहीं करने के वजह से इस प्लांट्स की ये क्या होता है, मुरझा जाते हैं। कहीं कहीं प्लांट्स तो मर भी जाते हैं और फूल और फल जो रहते हैं जिस प्लांट्स में वो भी झड़ जाते हैं। तो कुछ सिंपल कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए नर्सरी से जब हम नए पौधे को लाते हैं घर में, तो हमें कुछ सिंपल सा स्टेप्स फॉलो करना है ताकि कोई भी जो नुकसान प्लांट्स को ना पहुंचे। तो मेरा ये वीडियो देखने की रिक्वेस्ट है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, कई सारी टिप्स मैं आज दूंगी। ये सिंपल सा स्टेप्स है लेकिन इसको हमें याद रखना है ताकि प्लांट्स को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, प्लांट्स मरे भी ना, मुरझाए भी ना और फूल और फल जो रहते हैं वो भी गिरे ना। तो कुछ स्टेप्स इसको हमें फॉलो करना है। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं गार्डन संबंधित वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर वन, जब भी कोई भी पौधा आप नर्सरी से ख़रीद के लाए तो उसको आने के बाद आप किसी इसको शेडेड एरिया में रखें। अगले 3 से 4 दिन तक आप शेडेड एरिया में जैसे लाए हैं वैसे ही इसको रखना है। इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना दें। इसका जो एनवायरनमेंट है इसको सेट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि नर्सरी में एक अलग एनवायरनमेंट पे ये पौधा रहते हैं। जब आपके घर में लाएंगे तो इसका एनवायरनमेंट अलग है, सो आपको इस प्लांट्स को कुछ शेड एरिया में इसको रखना है ताकि शॉक ना लगे। टिप्स नंबर टू, पौधा लाने के बाद इसमें आप वाटरिंग कर दें, क्योंकि ये जब एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं इसको भी परेशानी होती है। हम लोग जब बाहर से आते हैं तो हम लोग भी पानी पीते हैं ना थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए, तो इस प्लांट्स को भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो जब भी प्लांट्स कोई नया पौधा आप घर पर लाए तो उसको आने के बाद आप लोग वाटरिंग ज़रूर कर दें, इसको भरकर वाटरिंग कर दें ताकि इसको रिलैक्स मिले। टिप्स नंबर थ्री, आप लोग जब भी नर्सरी से कोई भी पौधा लाए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो प्लांट्स हैं इसके जो रूट्स हैं नीचे से ना निकले। ये ग्रो बैग हो या तो फिर कोई भी पॉट हो, आप जब नर्सरी से कोई भी पौधा खरीदे तो इसके नीचे से रूट निकल ना जाए। इस तरह से आपको प्लांट्स सिलेक्ट करना है जब आप प्लांट्स को खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, नीचे से अगर रूट्स निकल के आएंगे तो वो मिट्टी हो या जिस सरफेस पे रहते हो उसी से इसका जो रूट्स है उसी से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई प्लांट्स खरीदे इसका नीचे से रूट्स निकल ना जाए, इस तरह से आपको प्लांट्स सिलेक्ट करना है। फिर भी अगर कोई भी पौधे के नीचे से रूट्स निकल के आए ऐसा पौधा आप खरीदें, क्योंकि मैंने ये पौधा ख़रीदा है एक ही साथ इसका रूट्स नीचे से निकल के आए थे, क्योंकि मुझे ये प्लांट्स पसंद हो रहा था। अच्छा प्लांट्स है क्योंकि इसमें नए बहुत सारे ब्रांचेस है, तो मैंने इस पौधे को ही सिलेक्ट किया, लेकिन इसका रूट्स नीचे से निकल रहे थे। सो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हो ऐसा कभी भी हो आपके साथ कि आप पौधा खरीदे इसके नीचे से रूट्स निकल के आ रहा है बाहर निकले हैं, सो आने के बाद इसको किसी गमले में बिठा दे जहाँ पानी हो ताकि जो रूट्स है उसको ये डाई ना हो जाए। सो मैंने इसको लाने के बाद देखो पानी में इमिडिएटली बिठा दिया है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी प्लांट्स जब आप नर्सरी से खरीदें उसको इमीडिएटली आप लोगों को रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का शौक ये नहीं ले सकते। इसको पहले जो एनवायरनमेंट है आपके घर की इसमें एडजस्ट होने के लिए इसको छोड़ना है। अगले एक हफ्ते तक आप मिनिमम 3 से 4 दिन आप लोग इसको रिपोर्ट ना करें, 7 दिन हो तो बेस्ट रहता है। अगले 7 दिन तक मैं कभी भी कई भी प्लांट्स को 7 दिन से पहले मैं रिपोर्ट नहीं करती। इसको क्या होता है, जो इंडोर प्लांट्स है उसको तो आप घर पर ही इंडोर में ही रखेंगे, लेकिन जो आउटडोर प्लांट्स हैं इसको 2-3 दिन आप शेड में
रखने के बाद आप बाहर दूसरे पौधों के साथ इसको रख देना, ऐसे ही छोड़ देना, रिपोर्ट नहीं करना, बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना अगले एक हफ्ते तक, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का शौक ये प्लांट्स नहीं ले सकते। इसको पहले इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की इसकी ज़रूरत होती है। सो आप लोग कभी भी कोई भी प्लांट्स नर्सरी से ख़रीदें, इमीडिएटली रिपोर्ट ना करें, इसको सेट होने के लिए मिनिमम एक हफ्ता इसको टाइम दीजिए। नेक्स्ट टिप्स जो आपको ख्याल रखना है, रिपोर्ट जब करें, प्लांट्स लाने के बाद रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन रिपोर्ट जब करें इसका जो पॉट सिलेक्शन होता है ज़्यादा बड़ा पॉट में ना दें, प्लांट्स के साइज़ के अनुसार आपको पॉट सिलेक्ट करना है। छोटे पौधे के लिए आप बड़ा पॉट बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें इसका, क्योंकि देखो जब नर्सरी में प्लांट्स रहते हैं छोटे से ग्रो बैग में ही बहुत दिनों तक ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे से रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। सो प्लांट्स के साइज़ के अनुसार आपको पॉट सिलेक्शन करना है। छोटा पौधा हो तो छोटा साइज 6 इंच 4 इंच 6 इंच, और थोड़ा सा बड़ा हो तो 8 इंच 10 इंच, ज़्यादा कुछ बड़ा पॉट का इस्तेमाल ना करें जब भी आप कोई प्लांट्स रिपोर्ट करें। और रिपोर्टिंग के लिए और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप कोई भी प्लांट्स को, नए प्लांट्स को रिपोर्ट करें उसमें ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र आप ना दें, क्योंकि ये जो नर्सरी में जो प्लांट्स रहते हैं ना इसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र पहले से ही दिया हुआ होता है, क्योंकि देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ये प्लांट्स इतना हेल्दी नहीं रहेंगे। सो आप जब कभी भी नए प्लांट्स को रिपोर्ट करें ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र इनमें बिल्कुल भी ना डालें, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का शौक भी ये प्लांट्स नहीं ले सकते, तब भी प्लांट्स ये मर सकते हैं, डाई हो सकते हैं और मुरझा भी जा सकते हैं। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, कुछ यही सिंपल सा कुछ टिप्स आप भी फॉलो करें जब नए प्लांट्स आप खरीद के लाए, और इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे इसको वीडियो में बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये पौधे को हमें रिपोर्ट तो करना ही है, वो बाद में हम शेयर करेंगे। और आज के लिए इतना ही कि आप भी इस तरह से प्लांट्स की लाने के बाद थोड़ी सी केयरिंग कर लो तो आपका पौधा भी ठीक ठाक रहेगा, मरेगा नहीं, मुरझा भी नहीं जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए गार्डन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।